नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हो रही G20 की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते उन्होंने कहा, ग्लोबल साउथ लक्ष्य विकास है। उन्होंने कहा, काशी सदियों से ज्ञान, चर्चा, संस्कृति और आध्यात्म का केंद्र है। इसमें भारत के विविध विरासत का सार है। यह देश के सभी हिस्सों के लोगों के लिए रूपांतरण बिंदु के रूप में काम करता है। मुंबई में खराब मौसम की वजह से उड़ानों पर असर पड़ा है। एयर इंडिया की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। रनवे को बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि खराब मौसम की स्थिति और मुंबई एयरपोर्ट पर रनवे 9/27 के अस्थायी रूप से बंद होने की वजह से एयर इंडिया की कुछ फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है। RSS नेता इंद्रेश कुमार ने लव जिहाद पर बयान दिया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर आप अपने पार्टनर से अपनी पहचान छुपाते हैं तो यह प्यार है या धोखा। उन्होंने कहा, आज प्रेम को बदनाम किया जा रहा है। भारत प्रेम की भूमि थी, है और रहेगी। प्यार के नाम पर हत्या और धर्मांतरण हो रहा है और लोगों ने इसे लव जिहाद बताया है। हम प्रेम के नाम पर धोखाधड़ी और हिंसा की निंदा करते हैं। हीट वेव के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। झारखंड गवर्नमेंट ने राज्य में भीषण गर्मी के कारण 12 जून से 3 दिनों तक के लिए सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गर्मी की छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया गया है। राजस्थान के कोटा में रविवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का काफिला एक हादसे का शिकार हो गया। सार्वजनिक परिवहन की एक बस ओम बिरला के काफिले में घुस गई और पुलिस एस्कॉर्ट वाहन टकरा गई। इस हादसे में 3 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। हालांकि ओम बिरला की गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। घायल पुलिस कर्मियों को कोटा के MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोलापुर जिले के आलंदी में ज्ञानेश्वर मावले की पालकी की यात्रा शुरू हुई। उसी समय वारकरी और पुलिस वालों में किसी बात को लेकर बहसबाजी हुई। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। वहीं इस मामले पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आलंदी में किसी तरह का कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी धक्का मुक्की जरूर हुई है। उन्होंने बताया कि 400 से 500 के आसपास युवा वारकरी में बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई थी। इस मामले में पुलिस को भी थोड़ी सी चोट लगी है। विकी कौशल और सारा अली खान की रोमांटिक ड्रामा फिल्म जरा हटके जरा बचके की रिलीज का आज 11वां दिन है और एक नया हफ्ता शुरू हो चुका है। बीता वीकेंड इस फिल्म के लिए काफी अच्छा साबित हुआ है। फिल्म की कमाई के आंकड़ों ने अब मेकर्स और सितारों को खुश कर दिया है। फिल्म में लगाए गए बजट से भी काफी ज्यादा फिल्म अब तक कमा चुकी है। भारत में जिस तेजी से डिजिटल पेमेंट बढ़ा है उसका लोहा दुनिया भी मान रही है। साल 2022 में डिजिटल पेमेंट के मामले भारत दुनिया का नंबर 1 देश रहा है। माय गवर्नमेंट इंडिया ने इससे जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2022 के दौरान भारत में 8.95 करोड़ डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं। अरब सागर में उठ रहे बिपरजॉय चक्रवात को लेकर कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से तटीय इलाकों में लोगों को न जाने की सलाह दी है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अलग राज्यों में चक्रवात को देखते हुए रेस्क्यू टीमों को भी तैनात कर दिया गया है। वहीं मुंबई में भी बिपरजॉय को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, जिसको लेकर लोगों और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह।